नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन में सबसे पहले बात परमाणु युद्ध के खतरे की। रूस चीन गठजोड़ से क्यों टेंशन में है सुपर पावर अमेरिका, और अंतरिक्ष से महाविध्वंस की प्लानिंग किसने रची। विश्व युद्ध की आशंका से जुड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूक्लियर टेंशन टॉप 9। यूरोप पर मंडराती न्यूक्लियर खतरे के बीच रूस और चीन ने नाटो को बड़ा संदेश दिया। बीजिंग दौरे पर पुतिन और जिनपिंग के बीच परमाणु टेक्नोलॉजी साझा करने पर सहमति बनी। चीन ने भी नाटो को सीधा संदेश दिया कि राजनीतिक समाधान से ही यूक्रेन संकट का समाधान सही कदम होगा। चीन और रूस के साथ आने से अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। पेंटागन की रणनीतिक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन चीन के साथ मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में जुटे हैं। चाइना सी और येलो सी में ताकत बढ़ाने के लिए पुतिन की योजना चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान को एक झंडे के नीचे लाना है। अमेरिका और नाटो को सबक सिखाने के लिए रूस अब अंतरिक्ष से न्यूक्लियर अटैक की तैयारी कर रहा है। यूएस स्पेस पॉलिसी के सहायक सचिव ने रूस एंटी सैटेलाइट वेपन बनाने का दावा किया है। रूस के इस घातक स्पेस प्लान में चीन के भी शामिल होने का दावा है। नाटो के खिलाफ रूस न्यूक्लियर जंग की तैयारी में जुटा है। जल्द ही रूस की स्ट्रेटेजिक फोर्स वॉर ड्रिल शुरू करेगी। सूत्रों के मुताबिक न्यूक्लियर वॉर ड्रिल को चीन से वापसी पर पुतिन से हरी झंडी मिल सकती है। नाटो से जंग पर यूक्रेन और रोमानिया पुतिन का पहला टारगेट हो सकते हैं। नाटो से विध्वंसक जंग की आशंका में रूसी नेवी की पैसिफिक फ्लीट एक्टिव हो गई है। समंदर में दुश्मन पर पलटवार की ट्रेनिंग लगातार जारी है। इस दौरान रूसी वॉरशिप से सैनिकों को ड्रोन विध्वंस और कैलिपर मशीन गनों से हमले की ट्रेनिंग दी गई। रूस और नाटो के बीच अगर न्यूक्लियर जंग हुई तो तबाह हो जाएगी दुनिया। अमेरिकी एक्सपर्ट एनी जैकबसेन ने ये दावा किया है। उनके मुताबिक विध्वंसक जंग से 72 घंटों में ही दुनिया की 5 अरब आबादी खत्म हो जाएगी। केवल अमेरिका ही खुद को सुरक्षित रख पाएगा। रूस की चेतावनी के बावजूद यूक्रेन में जल्द ही नाटो की सेना देखने को मिल सकती है। द सन के मुताबिक जर्मनी पोलैंड के रास्ते नाटो सैनिकों का काफिला यूक्रेन की ओर बढ़ चुका है। कभी भी उनकी एंट्री यूक्रेन में हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जंग का दायरा बढ़ना तय है। नाटो की मदद के साथ ही यूक्रेन ने आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिए हैं। रूस पर यूक्रेनी सेना ने 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। सेवेस्तोपोल, बेलगोरोद और कुर्स्क समेत 7 शहरों में यूक्रेन ने प्रचंड प्रहार किया। अब रूस से विध्वंसक पलटवार का खतरा मंडरा रहा है। ब्लैक सी, सेवेस्तोपोल और क्रीमिया पर यूक्रेन ने 72 घंटों तक बारूदी बौछार की। 3 दिन में 30 ड्रोन और 20 अटैकम से अटैक किए गए। यूक्रेन की योजना रूस के ब्लैक सी फ्लीट को गंभीर चोट देने की थी, लेकिन रूसी डिफेंस ने उसे कड़ी टक्कर दी।